अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी के सदका में कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि यौम कश्मीर के मौका पर हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये गुजारिश करते हैं कि उन्होंने ऐलान किया था कि मैं सफ़ीर भी हूँ कश्मीरियों का, वकील भी हूँ, तो हमें ना कहीं सफ़ीर नज़र आ रहा है ना सिंह नज़र आ रहा है, तो अकवाम मुत्तहिदा और दीगर जो अमन के ठेकेदार इदारे हैं हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमारी हुकूमत को चाहिए कश्मीरियों के हक में वहाँ अपने अकवाम मुत्तहिदा हो या दूसरे अदारे जो हैं वहाँ भरपूर आवाज़ उठाए और उसके लिए हम भी इकदाम करें। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरी आलम दुनिया को पता है कि कश्मीरियों के साथ इतना नामुसाना सलूक हो रहा है, उनकी कत्ल रेजी हो रही है, उनकी आबरू रेजी हो रही है, उनके बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों को इनका हक दिलाने की यूएनओ से अपील करते हैं कि भाई यूएनओ अपना किरदार अदा करे और जो आज से 74 साल का डिस्प्यूटेड एरिया है उसको कश्मीरियों के हवाले किया जाए और कश्मीरियों को बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाए। ये पूरी आलम इंसानियत के लिए एक धब्बे की शक्ल है कि आप